मकान मालिक भी घर से निकालने का धमकी दे रहा है। जबकि वो तो रिटायरमेंट है ना, उसका फैमिली के लिए तो रिटायरमेंट पैसा आ रहा है, और हम लोग जो इतने सारे जो हैं 370 लोगों ने हम लोग हैं, तो इस लोग को बेरोजगार क्यों किया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सूबे के सबसे बड़े अस्पताल विम्स के समक्ष, जहाँ पे आप हमारे समक्ष देख सकते हैं कि पीछे में कितनी तादाद में यहाँ पे महिलाएं और पुरुष यहाँ मौजूद है। हालांकि यहाँ पे ट्रॉली और गार्ड जो है यहाँ पे आंदोलनरत पर है। उनका कहना है कि लगभग 4 महीने से उनका वेतन नहीं मिला है। जब वो वेतन मांगने की बात करते थे तो डायरेक्टर को लेकर उन्हें सर्टिफिकेट की मांग की जाती थी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की मांग की जाती थी, जहां उन्होंने अपनी कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जमा किए, पर उनको 4 महीने से जो है वेतन नहीं दिया जाने लगा। जबकि उन लोगों को कोरोना के समय में काफ़ी ज़्यादा सहयोग भी गार्ड का ही रहा था, पर इनको ना देखते हुए इनको राज्य सरकार द्वारा हटाने का निर्देश दे दिया गया है, जिसको लेकर के इन लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखी जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि गार्ड सबकी कितनी ज़्यादा जो है यहाँ पे भीड़ लगी, और वो लोग जो है लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं। वहीं हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ मुख्य मांगे हैं इनकी, और कब से इन लोगों को हटाया गया, क्या कुछ मांगे हैं आप लोग की। 4 महीने से आप लोग अपनी सैलरी की मांग कर रहे थे, क्या कुछ कहा गया था? पेमेंट 4 महीना से नहीं हो रहा है, 5वां महीना है, और प्रत्येक बार 3 महीना 4 महीना होता है तब मिलता है। 2 साल से ऐसे ही हो रहा है, 3 महीना पुरता है तो 1 महीना मिलता है, 3 महीना पुर के लास्ट होगा, 4th में तो 1 महीना मिलता है। अब हम लोग को बोला जा वो जल्द से जल्द कहीं ना कहीं अब राज्य सरकार द्वारा आप लोग को हटाने का निर्देश दे दिया गया है, इसीलिए हम लोग बैठे हैं। क्या लगता है डायरेक्टर साहब की बिल्डिंग के सामने बैठे तो क्या आपकी बात मानेंगे सुनेंगे? देखिए कुछ अब उनका अथी पर है, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं, वही जो करेंगे जी। तो हमारे साथ यहाँ पे काफ़ी तादाद में महिलाएं भी मौजूद हैं, हम आपको दिखाएंगे और महिलाओं से भी बात करेंगे, क्योंकि कोरोना काल में जो महिलाएं थी वो कोरोना में अपने परिवार के बिना परवाह किए जो है यहाँ पे रहती थी, और सारे गार्ड्स के जितने नियम होते थे सारे को फॉलो करती थी। हम उनसे भी जानेंगे क्या कुछ कहेंगे, कोरोना जब इतना महामारी से पूरा देश गुजर रहा था तब आप लोग अपना सेवा यहाँ दे रहे थे, और अब कहीं ना कहीं राज्य सरकार के द्वारा आप लोग को हटा दिया जा रहा है। वही तो, हम लोग इतना कोरोना में सब आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहा था, उसमें हम लोग छोटे छोटे बाल बच्चा के छोड़ के अपने पति घर परिवार छोड़ के रिम्स को सेवा दिए, ना अपना जिंदगी का परवाह किए ना अपने बच्चों को परवाह किए, और उस पर भी पेमेंट भी सही टाइम पे नहीं मिलता है। उस समय भी हम लोग ड्यूटी किए, और अभी बोला जा रहा है जब कोरोना ठीक हो गया तो अनलीगल है सिक्योरिटी गार्ड, अब होम गार्ड को बुलाएंगे, एक आके हम लोग को हटाया जा रहा है, तो हम लोग क्या करें? हटाया तो जा रहा है, इनकी सैलरी भी नहीं दी जा रही है। आप एक महिला है, 5 महीना से सैलरी नहीं मिला है, बच्चे लोग के स्कूल में प्रिंसिपल टॉर्चर कर रहा है कि मतलब कि फीस नहीं देगा तो मत आना स्कूल, मकान मालिक भी घर से निकालने का धमकी दे रहा है कि 5 महीना कहाँ बकाया रहता है, वो देता है आपको रिम से पैसा देती नहीं देती हमको नहीं मतलब है, आप लोग मेरा रूम खाली करो हम किसी और को देंगे, खाने के लिए भी राशन पानी के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है, और यही बात है। और अभी इतना होने के बावजूद भी सह के भी ड्यूटी करने के बावजूद भी बोला जा रहा निकाल देंगे, अनलीगल है। कहीं ना कहीं आप लोग को अनलीगल बोल के तो हटाया जा रहा है, होम गार्ड को रखा जा रहा है, तो क्या वो अनलीगल नहीं है? आप लोग अनलीगल क्यों है? उस समय सरकार क्यों नहीं देख रही थी कि अनलीगल है? एक ये तो आज से नहीं सिक्योरिटी चल रही, बहुत दिन से चल रही, लगभग 20 साल से, उसमें सरकार नहीं देख रही थी कि अनलीगल है? 15 दिन से तो नहीं सिक्योरिटी लग रही है, बहुत दिन से लग रही है सरकार के, उसमें भी देखना चाहिए, अनलीगल है कहकर उसी दिन हटा दिया जाता है, तो सरकार के देखना चाहिए। सब चीज़ बोलता है रोजगार दो, बच्चा को पढ़ाओ, अच्छा भविष्य दो, तो कहाँ से भविष्य देंगे? अच्छा कमाने के बावजूद भी पेमेंट नहीं मिलता है, और उस पर भी निकाला जा रहा है, तो बच्चा को भविष्य कहाँ देंगे? वो लोग अपना बच्चा को विदेश में पढ़ाएगा, हम लोग अपने गाँव में नहीं पढ़ाए। यही सरकार से मांग कर रहे हैं, हम लोग की ड्यूटी दे, रोजगार दे, पेमेंट दे, ना होली छुट्टी लेते हैं, ना दिवाली, ना संडे मंडे कुछ भी छुट्टी नहीं लेते हैं, 365 दिन ड्यूटी करते हैं हम लोग, इसके बावजूद भी हटाया जा रहा है। तो जैसा कि महिलाएं गार्ड का कहना है कि लगातार ड्यूटी करने के बाद भी वो लोग जो है सरकार की नजर में खटकते नजर आ रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं ये लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है, और इनका कहना है कि इनको वेतन जो है जल्द से जल्द। वहीं हमारे साथ एक और महिला है, हम इनसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगे, क्या लगता है कि अब तो आप लोग को हटाया जा रहा है, ये जो बकाया आप लोग को 4 महीने का वेतन बाकी है मिलेगा? MS DMS डायरेक्टर का हट जाओ कहने से हम लोग हटने वाले नहीं है, ये 22 साल से ये एजेंसी चल रहा है,
अभी सब जवानी सब चचा भाई लोग सब अपना बुढ़ापा कर दिया और अभी इन लोग को भेज रहा है, तो ये लोग कहाँ जाएगा? लगभग आप लोग 300 से अधिक है। हाँ 300 से अधिक है हम। और सबको एक साथ हटाया जा रहा है? हाँ सबको साथ में ही हटाया जा रहा है कि हम होमगार्ड ला रहे हैं, अब तुम लोग हट जाओ। होमगार्ड वाले तो पहले भी ड्यूटी में रहा करते थे, रिटायरमेंट के बाद भी उन लोगों को ड्यूटी ही दिया जाता है। हाँ क्या लगता है अन्याय किया जा रहा है? हम लोग के साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है, हम लोग को न्याय चाहिए, हम लोग को ड्यूटी दिया जाए। हमारे साथ यहाँ और महिलाएं, हम उनसे बात करेंगे। कहीं ना कहीं वो लोग भी ड्यूटी पे ही हुआ करते थे दीदी, रिटायरमेंट के बाद फिर उनको ज्वाइनिंग ली जा रही है। मानते हैं, लेकिन देखिए नियम के तहत क्या बोलता है ना, इंसान को बेरोजगार चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जबकि वो तो रिटायरमेंट है ना, उसका फैमिली के लिए तो रिटायरमेंट पैसा आ रहा है, और हम लोग जो इतने सारे जो है 370 लोगों ने हम लोग हैं, तो इस लोग को बेरोजगार क्यों किया जा रहा है? और हम लोग का जो सरकार है जो भी है, हम लोग को बोलते हैं कि युवा को या बुढ़ापा जो भी हो, सबको बेरोजगार की जरूरत है। तो जो रिटायरमेंट हुआ है उन्हीं को डबल ड्यूटी मतलब दोबारा ड्यूटी दिया जाएगा, तो अगला जो बेरोजगार है वो क्या करेंगे? तो सरकार को ये चीज क्यों नहीं दिखता है? और दूसरी बात तो है कि हम लोग का जो यहाँ का रिम्स का जो डायरेक्टर जो सर है ना, उनको ये चीज क्यों नहीं दिख रहा है कि ये बोलते हैं कि 2 साल पहले सरकार के तहत यहाँ हम लोग का जो सुरक्षा एजेंसी गैर कानूनी हिसाब से ड्यूटी कर रहे हैं, ये तो गलत है। उस टाइम में हम लोग का कोविड टाइम में सरकार को दिखाई नहीं दिया कि होम गार्ड को हमला के ड्यूटी कराए? बहुत सारे लोग ऐसे थे कोविड के टाइम में, सारे अपना फैमिली वाले छोड़ के चले गए, लेकिन हम लोग का जो ट्रॉली वाला है क्या बोलते हैं सुरक्षा कर्मी है, सब लोग ने उनको शमशान घाट तक पहुँचाया। तब कहाँ थे? तब डायरेक्टर नहीं थे क्या? तब तो थे ना, DMS नहीं थे क्या? तब भी थे ना, तब हम लोग को क्यों नहीं हटाया गया? तब क्यों नहीं बोला गया कि यहाँ क्यों खटक रहे हैं? क्या ही ड्यूटी करे? क्या लग रहा है क्यों खटक रहे हैं आप लोग? ये आप भी देख रहे हैं मैम, ये आप भी देख रहे हैं, सारे दुनिया भी जान रहे हैं कि हम लोग किस लिए हड़ताल किए। बस क्या कहेंगे, उन लोगों को सैलरी पहले भी मिलती थी और अब जो है अब भी सैलरी का जुगाड़ बन चुका है ये होमगार्ड वाले के लिए। होमगार्ड के लिए तो मिलता ही है, हम लोग के लिए नहीं मिलता है सही टाइम से। 4 महीना से हम लोग को वेतन नहीं मिला है। कितनी दिक्कतें हो रही है घर? कितनी दिक्कत तो हो रही है, पर क्या करेंगे, पेट पेट है हम लोग का, इसलिए हम लोग आ रहे हैं ऐसे ही खाली पेट। तो जैसा कि लेटर आने के बाद जो है डायरेक्टर ने ये सूचना जारी कर दी है राज्य सरकार के द्वारा कि इन लोगों को जो है अब हटा दिया जाए, जबकि ये इन लोगों का कहना है कि जब कोरोना काल था, जब उस वक्त किन्हीं की फैमिली किन्हीं का साथ नहीं दे रही थी, उस समय सुरक्षा कर्मी गार्ड जो थे यहाँ पे हमेशा 24 आवर्स जो है तैनात रहा करते थे, वो चीज़ सरकार को नज़र नहीं आ रही है, ना कि यहाँ के डायरेक्टर को नज़र आ रही है। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि ये लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी और इन लोगों के पक्ष में क्या कुछ निर्णय आता है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।